नमस्कार, मैं महिमा किरण हूँ आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों आज हम आपको चैप्टर जो आपका 11वां है, जो कक्षा सातवीं की वसंत में 11वां चैप्टर है रहीम के दोहे, आज हम उनको पढ़ेंगे। बच्चों रहीम के दोहे, रविदास जी के दोहे, कबीर के दोहे आपने खूब पढ़े होंगे, सूरदास जी के भी दोहे हैं, बहुत सारे जो दोहे हैं आपने छोटी क्लासों से पढ़ना प्रारंभ कर दिया होगा। लेकिन हमारी किताब के अंदर जो ये दोहे हैं ये नीति के दोहे हैं, हमें आपको संदेश देते हैं, ठीक है। रहीमदास जी ने भी हमें संदेश दिया है, हमें उपदेश दिया है, तो अपने दोहों के माध्यम से दिया है। अब उन दोहों को समझेंगे और हमारे जीवन में उनको अनुभव करेंगे। चलो पहला दोहा और दूसरा दोहा, इन दो दोहों को मैं आज के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। वैसे इसमें दोहे टोटल 5 ही आपके, ज्यादा नहीं है, तो हम उसको अच्छे से समझेंगे और एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला दोहा है हमारा, कहीं रहीम संपत्ति संगे। भाषा बहुत सरल है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। कहीं रहीम संपत्ति संगे, बदत बहुत बहुवीत। विपत्ति कसौ की जे रसे, ते ई साचे मीत। तो बच्चों एक एक शब्द आपको देखते हैं। पहले कहीं यानी कहते हैं, कौन कहते हैं? रहीम, रहीमदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपत्ति संगे, संपत्ति के धन के हमारे सब लोग संबंध क्या है बन जाते हैं। संपत्ति यानी धन होता है हमारे पास, तो हमारे लोग क्या बन जाते हैं? सगे बन जाते हैं, नजदीकी बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं। बदत बहुत बहुरी, और कैसे बनते हैं? बनते हैं बहुत सारे लोग, बहुत बहुत बनते हैं। बहुरी यानी अनेक प्रकार से, अनेक तरीकों से, दूर दराज से रिश्ते भी निकाल लेते हैं। कब निकाल लेते हैं? जब हमारे पास संपत्ति है, अर्थात अगर हम बहुत धनवान व्यक्ति है तो बहुत सारे लोग हैं, क्या बन जाते हैं? अनेक प्रकार से सगे संबंधी बन जाते हैं। अगर हमारे पास खूब धन है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। विपत्ति कसौ की जे कसे, लेकिन वो सारे हमारे हितेशी हैं? नहीं। ये बात हमें कब पता चलती है? जब विपत्ति कसौ की जे कसे, विपत्ति यानी जब हम पर कोई समस्या आती है, आफत आती है, विपत्ति आती है, इस विपत्ति रूपी परीक्षा में जो पास हो जाता है, जो बच जाता है, यानी इस परीक्षा में जो हमारा साथ देता है, ते ई वे ही सांचे सच्चे मी यानी मित्र होते हैं। तो पहला दोहा आपको समझ में आया होगा, रहीमदास जी ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि रहीमदास जी कहते हैं कि धन प्रतिष्ठा होने पर तो हमारे पास अनेक प्रकार से लोग रिश्तेदार बनते हैं पास आपके, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग हमारे पास आए हैं, वे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो इसके शब्दों क्या क्या दे रखे हैं मैंने, आप उनको एक बार आराम से देखिएगा और समझिएगा। दूसरा लफ्ज बच्चों, जान परे जल जात वही, तजी ही नल को मोह। जाल, जाल जब हम पानी में जाल डालते हैं तब क्या होता है? परे यानी गिरना, जाल के गिरने पर, इसमें गिरने पर जल के अंदर, जल जात वही। तो पानी में जैसे हम जाल को डालते हैं, पानी जाल के अंदर से निकल जाता है। तजी ही नल को मोह, किसको छोड़कर? तजी यानी छोड़कर, मीनल यानी मछली की को मोह, मछली के यानी प्रेम को छोड़ करके जल निकल जाता है, क्योंकि जाल के अंदर कौन फंसती है? मछली फंसती है। रहीमन मछली नीर को, रहीमदास जी कहते हैं कि मछली जल को, नीर यानी जल, जल को